नमस्कार दोस्तों बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के बारे में यूरिनरी ब्लैडर हमारे पेट के निचले हिस्से में रहता है और इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है और जब ये पूरा भर जाता है तब हमें प्रेशर फील होता है और यूरिन हम पास करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंदर स्टोन कैसे बनता है इसके कारण क्या हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बनने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा होना जिससे कि यूरिन पास करने में दिक्कत आती है और उसका फ्लो कम होने की वजह से ब्लैडर में स्टोन बन सकता है इसके अलावा जो ब्लैडर की मसल्स हैं उनका वीक होना या उनकी नर्व्स का वीक होना जिससे कि ब्लैडर में यूरिन काफ़ी देर तक पड़ा रहता है प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं होता उससे भी ये स्टोन बन सकते हैं बार बार किसी कारण इसमें इन्फेक्शन होना या कोई सूजन होना उससे भी ये स्टोन बनते हैं या कुछ केसेज में किडनी से स्लिप हुआ स्टोन भी ब्लैडर में आके फंस सकता है और धीरे धीरे बढ़ सकता है और वो भी एक ब्लैडर स्टोन का रूप ले सकता है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं किसी कारण से बगैर ब्लैडर का यूरिन पास करने में दिक्कत है यानी कि आपके आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है प्रोस्टेट की वजह से या यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर्स होने की वजह से या किसी वजह से नर्व डैमेज है जैसे कि स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने से जिससे कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा उन केसेस में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है हम इन स्टोन से कैसे बचें आप अपनी हाइड्रेशन ज़्यादा रखिए एक अच्छी क्वांटिटी में पानी लीजिए एटलीस्ट दो से तीन लीटर फ्लूड हर रोज लीजिए अपनी एनिमल प्रोटीन की इंटेक को कम कीजिए यानी कि मीट मांस या एग्स की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं अगर आप में रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी या जूरेटरिक स्टोन बनने के अपने सॉल्ट की अमाउंट को कम रखिए और एक वेट अच्छा मेंटेन कीजिए अगर हैवी वेट है तो वेट लूज कीजिए अपनी ऑक्सीलट की इंटेक को ऑल्सो कम कीजिए इनको डायग्नोज कैसे करते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन करेंगे और उससे भी आइडिया लग सकता है कि आपको शायद ब्लैडर स्टोन है आपके यूरिन का टेस्ट किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से ज़्यादातर पेशेंट्स में ये स्टोन्स देखे जा सकते हैं लेकिन अगर उसमें भी डायग्नोसिस नहीं बन रहा है दैन एक सी स्कैन किया जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को पहचानने के लिए इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अपने आप ये स्टोन्स पास नहीं होते बिकॉज बाय द टाइम ये डायग्नोज होते हैं इनका साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि ब्लैडर के अंदर जाना बहुत ईजी है यूरिथ्रा के थ्रू ही हमें कैमरा डालकर ईजीली ब्लैडर एंटर कर सकते हैं और इस स्टोन को निकाल सकते हैं अगर ये स्टोन बड़ा है तो उसके टुकड़े करके फ्रेगमेंट करके भी वहाँ से निकाला जा सकता है लेकिन अगर स्टोन बहुत ही बड़ा है और इसका दूरबीन से इलाज ना पॉसिबल हो तो रेयर केसेस में ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा कट लगाकर डॉक्टर्स इसको ब्लैडर के अंदर से निकाल सकते हैं कुछ अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जिनसे कि इन स्टोन्स को तोड़कर यूरिन के रास्ते फ्लश करवाया जा सकता है वी होप कि ये वीडियो देख आपको ब्लैडर स्टोन्स के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है आप या आपके आस कोई इससे पीड़ित है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और बहुत ही एक सिंपल से सर्जरी से इससे निजात पाइए थैंक यू